बालाजी धाम, बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट रजिस्टर्ड, लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट रजिस्टर्ड के तत्वावधान में दिनांक 18, 19 एवं 20 मार्च 2024 को मुरादाबाद में हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर श्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता बुद्धि विहार स्थित व्हाइट हाउस में आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी गई और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी ये भी बताया गया। जानकारी देते हुए विनीत कुमार गुप्ता लोहिया ने बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई? ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए रखी गई थी कि हमारा जो कार्यक्रम 17 तारीख को कलश यात्रा का, 18, 19, 20 को जो धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा हनुमान कथा का जो आयोजन किया जा रहा है उसके मुतल्लिक जो हम लोगों को पूरी व्यवस्था करनी थी उसके लिए यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट क्या कार्यक्रम की व्यवस्था रहेगी उसके लिए यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ पर बड़ी बारीकी से अध्ययन किया गया कि किस किस को कैसे व्यवस्था सौंपनी है, क्या क्या कार्य कौन देखेगा और किस तरह से वॉलंटियर्स जो हैं वो इस पूरे कार्यक्रम को, जिसमें 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, उसको किस तरह से वो एक समुचित ढंग से, एक अच्छे ढंग से उस कार्यक्रम को एक अच्छे ढंग से वो संपन्न हो सके उसके लिए ये मीटिंग का आज आयोजन किया गया था, जिसमें हर किसी को एक कार्य जो है वो सौंपा गया है। इसके अंदर लगभग 2 से 3 लाख लोगों के आने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर 1000 लगभग वॉलंटियर जो हैं वो पूरे इस रूपरेखा को व्यवस्थित ढंग से चलाने में इस कार्यक्रम को अब सहयोग करेंगे और पूरे ढंग से पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ के ऊपर उसके अंदर जो है वो कार्यक्रम जो है ताकि अच्छे से संपन्न हो सके तो बहुत बारीक ढंग से उस चीज़ को रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत कब से कब तक की है? कार्यक्रम की शुरुआत कब से कब तक की है? कार्यक्रम 17 तारीख को कलश यात्रा महाकालेश्वर मंदिर से जो है वो शुरू होगी, जो कि कथा स्थल तक पहुंचेगी 17 तारीख को सुबह 10 बजे। कहां पर आयोजन हो रहा है ये आयोजन? मुरादाबाद में लोहिया स्टेट नया मुरादाबाद सेक्टर 6 में ये कथा स्थल का कार्यक्रम रखा गया है। पुलिस प्रशासन क्या व्यवस्था रही, क्या सहयोग है? पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग देने के लिए बोला हुआ है। बाकी तो जो व्यवस्थाएं हैं वो सब वॉलंटियर्स इस व्यवस्था को देखेंगे, लेकिन उसके बाद जो पूरा ट्रैफिक व्यवस्था है या ट्रैफिक को किस तरह से कहां पर किस तरह से रखना है वो पूरा प्रशासन देखेगा। लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है सर। कितना रश रहेगा और कौन कौन वीआईपी के आने की संभावना? देखिए, इसके अंदर लगभग 2 से 3 लाख लोगों के आने की संभावना है, बाकी तो सब ईश्वर के ऊपर निर्भर है कि कितने लोग आएंगे। वीआईपी का भी कोई ऐसा वीआईपी या वीवीआईपी या ये जो लोग हैं इनमें लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जो लोग आएंगे उनका स्वागत है, क्योंकि ये आम जनता के लिए कार्यक्रम है, आम जनता इसका लाभ उठाए, पुण्य के लाभी बने और इस हनुमान कथा को सुनकर एक सनातन धर्म के प्रति लोगों की जो एक इच्छा रहती है कि हम समझें, तो वो सब इसका लाभ, पूर्ण लाभ उठाएंगे। सर, इसी स्टेट से आएंगे यूपी से, बाहर से भी निमंत्रण है आपका अदर स्टेटों में? हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया एक है, कहीं से भी सब लोगों को छूट है इस कार्यक्रम में आने के लिए। प्रेस वार्ता विफल रहा, क्या कारण रहा? प्रेस वार्ता इससे पहले हुई थी, उनका अक्टूबर में आने का प्रोग्राम था, पहले महाराज श्री का प्रोग्राम अक्टूबर में आने का था, डेट दी गई थी, लेकिन कुछ व्यवस्था के कारण उनकी असमर्थता उसमें रही, उसके बाद उन्होंने मार्च 18, 19, 20 के समय दिया है, जो कि अब होने जा रही है, जो कन्फर्म है।